श्री जी को भी कौतुक सूझते हैं, बाबा दाऊ जी में रहते हैं, वहां दाऊ जी नहीं है, दाऊ जी में दाऊ जी नहीं है, राधा रानी है वो, आपको मालूम है। गोरी दाऊ जी है, गोरे दाऊ जी नहीं है, गोरी राधा वहां दाऊ जी बनी हुई है। ये छदम लीला है, आप चाहो तो कभी दिखा सकते हो। लीला का स्वरूप यह है, एक बार सहचरियों ने श्री किशोरी जी से प्रार्थना की, जय जय स्वामिनी जू, लाल जी अनेक छदम करके नए नए कौतुक करें, सब कुछ सुख दें, आप अपने प्राण जीवन धन को एक नयो कौतुक रच के सुख दो। श्री जी बोली कौन सा कौतुक? बोले कौतुक यही है कि आप दाऊ जी के स्वरूप में ठाकुर जी को दर्शन दो। तो एक दिन श्री दाऊ जी गोचारण में नहीं पधारे, सखियों ने स्वामिनी जी को सूचित कर दिया कि आज दाऊ जी नहीं है, आज मौका है। तो जितनी सखियां हैं, ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी, वो सब दाऊ जी के परिकर के ग्वाल बन गए और श्री जी हलमूसल लेके दाऊ जी बन गई। गौरवर्ण तो है ही है, दाऊ जी बन गई और दाऊ जी बन करके जैसे ही पधारी तो ठाकुर जी बड़े आनंदित हुए। वो पहचान नहीं पाए कि ये राधा रानी है। उन्होंने कही करे दादा, आपके बिना तो आज गोचारण में हमारो मन ही ना लग रहे हो आप। चले बोले हाँ लाला, कहा बतामे, तू जब सो गैया ने लेके आयो है तब से हमारो मन एकदम व्यथित है रहे हो कि कन्हैया के बिना तो हम रह ना सकें। अच्छो भयो, तो हम पीछे थे चले आए अपने सखान के संग, अपनी मंडली के संग। तो ठाकुर जी ने गोचारण श्री जी के साथ यहां किया। अब ठाकुर जी मन में सोचें, इनका अभ्यास ही ऐसा है, किसी किसी की आदत होती है, आदत से लाचार होते हैं, हमारे ठाकुर जी भी आदत से लाचार हैं, वैसे कोई कमजोर नहीं है किसी तरह से, लेकिन इनके कोई निकट प्रेमी हो फिर ढिल पुल हो जाते हैं, फिर किसी का सहारा इनको चाहिए। श्री जी बगल में हो तो उनकी गलबहियां देंगे और दाऊ दादा बगल में हो तो दाऊ जी की भी गलबहियां देते हैं। ये स्वभाव में हमारे ठाकुर जी की आदत है गलबहियां देने की। तो दाऊ जी जब जब निकट होते हैं तो ठाकुर जी, दाऊ जी का कर कमल ठाकुर जी के कंधे पर, ठाकुर जी का कर दोनों। लेकिन आज की लीला विलक्षण, बातचीत और क्रीड़ा तो खूब हो रही, अनेक खेल हो रहे हैं वहां, एक दल दाऊ जी का एक दल यहां, लेकिन सखी परिकर जो श्री जी का है वो पूरा विवेक ये रखता है कि स्पर्श से भेद मालूम ना पड़ जाए। लॉकडाउन लगा दिया ये वृंदावन की लीला, मत मानो याए गुरु को चीला, यही है। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे, महात्मन के भाव है। तो ठाकुर जी ने गलबैया दिया तो श्री जी थोड़ी दूर गई। अंत में ठाकुर जी ने कहा कि अब तो हम दाऊ जी, आज दाऊ जी ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे ही दौड़ करके ठाकुर जी ने दाऊ जी की गलबैया दी, स्पर्श करते ही अपनी प्राण जीवन धन श्री स्वामिनी जी के श्री अंग की सुगंध, उनका स्पर्श करते ही ठाकुर जी के भीतर तो सात्विक भाव प्रकट हो गए, वे विह्वल हो गए, अश्रु पुलक कंप आदि सात्विक भाव जग गए और श्री जी ठाकुर जी का स्पर्श करें तो वही भाव उनमें जग गए, प्रिया प्रीतम दोनों मिल गए, एक हो गए।
बोलो युगल सरकार की। प्रिया प्रीतम दोनों एक हो गए। अब तो ठाकुर जी ने बलैया लई नराई नौन उतारा तृण तोड़ा कि आपने हमारे अग्रज दाऊ दादा के रूप में दर्शन दिया, बहुत प्यारी झांकी है, अब मैं चाहूं कि यही स्वरूप में आप दर्शन दें। बोले मैं तो आपके सुख के लिए सब कछु कर सकूं, पर मेरी एक प्रार्थना है। क्या? मैं या बन में याई रूप में दर्शन दूंगी, पर आपको हूं या बन में अटल है के रहनो पड़े वो। ठाकुर जी बोले हम यहां अटल होकर के रहेंगे, तो अटल बन हो गया उस क्षेत्र का नाम, और ठाकुर जी अटल हो गए इसलिए ठाकुर जी का नाम हो गया अटल बिहारी, और अटल बिहारी जहां विराजे वहां चुंगी बनी, तो अटल्ला चुंगी हो गई। अटल बन से अटल्ला चुंगी हो गई। तो यहां गोरे दाऊ जी हैं और आगे बढ़ते हैं तो अटल अटल्ला चुंगी जहां है वहां ठाकुर जी हैं, उनका नाम है अटल बन बिहारी, वो भी प्राचीन ठाकुर जी हैं। अब तो थोड़ा सा मंदिर आगे टूट गया और पीछे ठाकुर जी चले गए, भी ठाकुर जी अटल बिहारी जी। और अब तक तो आपने कथा नहीं सुनी थी, अब कथा सुनी तो अब विशेष रूप में जाके दर्शन करना तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां गोरे दाऊ जी के मुख में पुरुष के भाव नहीं है, आप कपोल का दर्शन मुखाकृति का दर्शन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि श्री प्रिया जी का भाव ही वहां है। हैं? देख लो, बोलो श्री गोरी दाऊ जी महाराज।